इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर कर्तव्य पथ के साथ, और आप ये देखिए 19 महिला कमांडो हमारे साथ जो मौजूद हैं, जो आप देख रहे हैं पूरी तरीके से तैयार। G20 की सुरक्षा की तैयारियां लगातार जारी है, और स्पेशल सेल की 19 महिला कमांडो जो आप देख रहे हैं, इनको एक महीने की 4 हफ्ते की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई ITPP MP के सेंटर में, और उसके बाद इनकी तैनाती की गई है G20 की सुरक्षा में, जहां पर ये राउंड द क्लॉक सुरक्षा में तैनात रहेंगी ये महिला कर्मी। और आप देखिए किस तरीके के अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं ये सुरक्षा कर्मी, और स्नाइपर की इनको ट्रेनिंग दी गई है। किसी तरीके की अचानक अगर कोई घटना होती है, अगर कोई आतंकी घटना घटती है, तो किस तरीके से उससे तुरंत निपटा जाए, उसके लिए इनको ट्रेनिंग दी गई है। इनकी ट्रेनिंग में जिस जगह पर ये, जिस इंस्टॉलेशन, जिस होटल, VIP रूट, जहां पर भी ये तैनात रहेंगी, वहां पर 360 डिग्री इनकी नजर रहेगी, हर किसी से ये लगातार संपर्क में रहेंगी। खास तौर से जो दिल्ली पुलिस के कमांड सेंटर के अलावा जो विदेशी सुरक्षाकर्मी, जो डेलीगेट्स के साथ, VVIPs के साथ आ रहे हैं, उनके भी संपर्क में रहेंगी, उनसे भी लगातार कमांड सेंटर के जरिए ये संपर्क में रहेंगी, और पूरी तरीके से इनको ट्रेनिंग दी गई है। 4 हफ्ते की एक कड़ी ट्रेनिंग से ये सभी महिला गुजरी है। कितनी लंबी आपकी ट्रेनिंग हुई थी? सर 4 वीक की ट्रेनिंग हुई है। कितनी कड़ी ट्रेनिंग थी? सर बहुत, पूरा दिन बहुत बिजी ज्यादा था, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होती थी, बहुत ज्यादा। और क्या क्या आपको सीखने को मिला? सर बहुत कुछ सीखने को मिला है, एडवांसेड फायरिंग सीखने को मिली है, एडवांसेड वेपन सीखने को मिले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला। ये वेपन आपके कितना करीब आ गया, अगर हम कहें तो कितनी आदत पड़ गई है आपको? सर ये मान के चलो एक बॉडी पार्ट बन गया है हमारा, 24 घंटे हमारे साथ रहता है। 24 घंटे आपके साथ? यस सर, 24 घंटे ये वेपन इनके साथ रहता है, इतनी इनको इसकी आदत पड़ गई है। लगातार जो सिक्योरिटी ड्रिल है वो अधिकारियों के द्वारा की जा रही है, और जो खास खास जगह है, खास तौर से एयरपोर्ट से लेकर के गुड़गांव के जो 2 होटल्स हैं, एरोसिटी का 1 होटल है, और 20 होटल्स जो नई दिल्ली इलाके में हैं, उन सब की सुरक्षा की अलग अलग तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, और इन महिला कमांडोज की तैयारी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे होगी।